चिश्तियां से खबर शामिल करते हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी के तेज़ बहाव से दोला अकोका के मुकाम पर मुतअद्दिद हफाजती बंद टूट गए। इलाका मकीन शदीद परेशान है और नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं चिश्तियां से हमारे ब्यूरो चीफ शहबाज अनवर से। जी शहबाज अनवर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बस्ती आकुका में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी के जो बहुत सा जोर है। यहाँ पर मेरे साथ मुतासिम भी मौजूद है। यहाँ पर सुनने में आया था कि कुछ हवासी कैंप लगाए गए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई चीज़ नहीं है। मेरे साथ कुछ मुतासिम मौजूद है, ये इनका घर है, तो इनसे जानते हैं क्या तफसीलात है। जी हम इधर आपके क्या तावन किया जा रहा है? कोई तावन नहीं किया जा रहा है, सिवाय रेस्क्यू के कोई इधर कोई सरकारी डिपार्टमेंट का कोई हमला नहीं आ रहा। अच्छा, तो सुनने में आया था कि अमदादी कैंप लगाया गया है, तो उसकी वजह से कोई इधर कैंप नहीं लगाया गया। तो ये पानी ये कब से आया इधर? कल शाम नू तकरीबन 8:30 बजे बांध टूटा है दुल्ला कुका दा। वैसे तो पहले जड़ा है ना मोती वाले तो बांध टूटा, उसके मुताबिक यह कि पता नहीं कितनी एक बस्तियाँ साढ़ी 100 तो बाद देन पे जीडिया के जरियाब आ चुके हैं। बाकी रहा जो जराई रकबा है, हजारों एकड़ के हिसाब से जो है गरीब किसान की फसलें तबाह हो चुकी हैं। अच्छा जी, आपको पहले इसके बारे में कुछ बताया गया था कि यहाँ पर सैलाब आने वाला है या इसका खतरा है, कुछ बताया गया था आपको? नहीं बताया गया था, खबरें आजकल मीडिया का दौर है, हर आदमी को पता लग जाए। तकरीबन 10 दिन पहले हमें इतला मीडिया पे आई थी, बाकी किसी महकमे ने कोई इतला नहीं की। अच्छा जी, बाकी जो आपने अपना सामान वगैरह और जो भी माल पशु का जितना भी सिस्टम था वो हुकूमत की तरफ से आपके साथ तावन किया गया या आपने खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकाला है? हुकूमत तो खुद मांगने वाली है, हम हुकूमत से हम क्या गिला करें। हम अपनी मदद आपके तहत इधर, अगर आप रात को होते ना तो इधर लाहौर बना हुआ था, एक एक घर ने तकरीबन पूरे शहर की ट्रालियाँ ट्रैक्टर मजदे डाले जो हैं वो इधर थे। हर आदमी ने अपना किराया घर से देकर अपना बाल बच्चों को माल मवेशियों को अपनी मदद आपके तहत निकाला दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना यहाँ की आवाम कह रही है कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से बाहर निकलने में मशगूल है और हुकूमत की तरफ से कोई भी इमदादी कार्रवाई नहीं की जा रही। जी।